आज ही मैं चाहता हूं कि राशिद हामदी साहब जब खड़े हो ही गए हैं और जूता पहन के, तो उनसे भी हमें उनकी शायरी सुननी है। राशिद हामदी साहब उस्ताद मोहतरम हैं सोएब फारूकी साहब के, और बहुत ही अच्छी शायरी जिसमें कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द होता है, और जो उनके यहाँ जज्बात की शिद्दत है वो उनकी शायरी को मुमताज करती है, और बहुत अच्छी नसर भी लिखते हैं राशिद हामदी साहब। एक बड़े खानवादे से उनका ताल्लुक है। मैं इस नाजुक मरहले में उनसे उनकी शायरी के लिए गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपनी शायरी से नवाजे। जनाब राशिद हामिदी साहब, चंद अशआर सुन लें। मतलब है कि हर एक तारे नफस दामे शहरयार में है, हर एक तारे नफस दामे शहरयार में है, ये जिंदगी तो किसी जबर के हिसार में है, और अमल में आई है अब के अजीब सब बंदी, अमल में आई है अब के अजीब सब बंदी, जो रहनुमा है वही आखिरी कतार में है। अमल में आई है अब के अजीब सब बंदी, जो रहनुमा है वही आखिरी कतार में है। और ये शेर बतौर खास वसीम गाजी साहब की नजर करता हूँ, वसीम भाई के तमाम शहर पे दुश्मन का हो गया कब्जा, तमाम शहर पे दुश्मन का हो गया कब्जा, फकीह शहर बशारत के इंतजार में है, फकीह शहर बशारत के इंतजार में है। एक मतलब फकीह शहर बशारत के इंतजार में है, एक मतलब यूं अर्ज किया है कि बुजुर्गों के नसब तब्दील करना चाहता है, बुजुर्गों के नसब तब्दील करना चाहता है, बुजुर्गों के नसब तब्दील करना चाहता है, वो अपनी जात की तकमील करना चाहता है। अब ये शेर बतौर खास कि वो जुगनू है, वो जुगनू है, वो जुगनू है, उसे मालूम है अपनी हकीकत, वो जुगनू है उसे मालूम है अपनी हकीकत, मगर वो रोशनी तरसील करना चाहता है, मगर वो रोशनी तरसील करना चाहता है। एक मतला एक शेर यूं समाप्त फरमा लें कि कोई साया, कोई साया न शजर याद आया, कोई साया न शजर याद आया, थक गए पांव तो घर याद आया, कोई साया न शजर याद आया, थक गए पांव तो घर याद आया, और फिर मेरे पांव में जंजीर पड़ी, फिर मेरे पांव में जंजीर पड़ी, यहां सज धज के अय्यारी निकलती है, रियाकारी के जंगल से रवादारी निकलती है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहां सज धज के अय्यारी निकलती है, रयाकारी के जंगल से रवादारी निकलती है, और किसी से बात करता हूं तो लहजा नर्म रखता हूं, किसी से बात करता हूं तो लहजा नर्म रखता हूं, किसी से बात करता हूं तो लहजा नर्म रखता हूं, मैं वो पत्थर नहीं हूं जिससे चिंगारी निकलती है, मैं वो पत्थर नहीं हूं जिससे चिंगारी निकलती है। और ये शेर बतौर खास कि हम अहले दिल, हम अहले दिल, हम अहले दिल सदा हिरसो हवस से पाक रहते हैं, हम अहले दिल सदा हिरसो हवस से पाक रहते हैं, बड़े लोगों में अक्सर दिल की बीमारी निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।